हेलो दोस्तों, आज हम लोग पाइप और टंकी में तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। और दोस्तों, हम इस वीडियो में उसी टाइप के क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो सीधे एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, दो पाइप किसी टंकी को अलग अलग 20 मिनट एवं 25 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों को बारी बारी से एक एक मिनट के लिए खोला जाए तो पूरी टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है, मान लीजिए दो टंकी है, एक टंकी ए है और दूसरी टंकी बी है। ए भरता है 20 मिनट में और बी भरता है 25 मिनट में। अब यहाँ पे हम टंकी की टोटल धारिता निकालेंगे, तो टोटल धारिता निकालने के लिए 20 और 25 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना हो गया 100। यह टंकी की धारिता हो गई 100 लीटर, यानी ए भरता है 20 मिनट में 100 लीटर, तो एक मिनट में भरेगा 5 लीटर, ठीक है, और बी भरेगा एक मिनट में 4 लीटर। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि दोनों बारी बारी से एक एक मिनट के लिए खोला जाता है तो पूरी टंकी कितने मिनट में भरेगी। क्वेश्चन में ये पूछा है, तो पहले मान लीजिए एक ये बारी बारी से खोला जा रहा है, तो पहले जो है क्या किया गया कि टंकी ए को खोला गया, इसके बाद बी को खोला गया। जब ए को खोला गया तो ये 5 लीटर भर रहा है, तो 5 लीटर भर रहा है कितना समय में, एक मिनट में। इसके बाद बी खोला गया तो बी भरा 4 लीटर, तो ये 4 लीटर भरा तो ये कितना समय में, एक मिनट में। अब ये 5 और 4 को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, 5 और 4 9, और नीचे समय है तो 1 और 1 2, ये ऊपर 9 लीटर हो गया, नीचे 2 मिनट हो गया। अब हम इसी 9 का टोटल धारिता में यानी 100 में भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा, 11 बार। अब 11 से हम ऊपर गुणा कर लेंगे और 11 से नीचे भी गुणा कर लेंगे, तो ये कितना हुआ, 99 बटे में 22। अब ये हमें टोटल कितना भरना है, 100 लीटर भरना है, जिसमें से 99 लीटर ये भर चुका है, तो 99 बटे 22, भरना कितना है, 1 लीटर और, तो यहाँ पे 99 हो गया है। अब 1 लीटर भरना है, तो 1 लीटर कौन भरेगा, ए भरेगा, कौन भरेगा, ए भरेगा, तो ए भरता है, हम इसको क्या लिखेंगे, ए भरेगा, तो इसको लिख देंगे 1/5 लिख देंगे, 1/5। अब ये जो नीचे वाला है इसी को लिख देंगे 22/1/5, यानी 22/1/5 मिनट में टंकी क्या हो जाएगी, भर जाएगी, ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एक नल किसी हौज को 10 मिनट में भरता है जबकि दूसरा नल उसे 12 मिनट में खाली करता है। यदि खाली हौज में दोनों नलों को बारी बारी से एक एक मिनट के लिए खोला जाए तो हौज कितने मिनट में भरेगा। यह मान लीजिए दो टंकी है, एक ए है और एक बी है, ये दो टंकी है, तो एक क्या करता है 10 मिनट में भरता है और बी 12 मिनट में भरता है, तो दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे, 12 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 60 हो जाएगा। यह टंकी की टोटल धारिता निकलेगी, तो ए भरेगा 10 मिनट में, यह 10 मिनट में 60 लीटर भर रहा है, तो एक मिनट में 6 लीटर भरेगा और बी एक मिनट में 5 लीटर भरेगा। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जबकि दूसरा नल उसे 12 मिनट में खाली करता है, यदि खाली हौज में दोनों नलों को बारी बारी से एक एक मिनट के लिए खोला जाए, एक एक मिनट के लिए खोला जाए तो हौज कितने मिनट में भरेगा। क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है, तो यहाँ पे पहले मान लीजिए ए भर रहा है, ए भरेगा तो ए को हम प्लस लिखेंगे, इसके बाद बी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, तो बी को हम माइनस लिख देंगे। यहाँ पे पहले ए भर रहा है, ए कितना भर रहा है, 6 लीटर भर रहा है, ए भर रहा है 6 लीटर, तो हम 6/1 यानी 1 लीटर, 6 लीटर एक मिनट में भर रहा है, और बी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, तो ये 5 लीटर खाली कर रहा है, तो हम इसको लिख देंगे 5/1। अब ये खाली कर रहा है तो 6 में से 5 घटा देंगे, खाली करेगा तो घटा देंगे, तो 6 में से 5 गया 1, और ये नीचे समय दिया है 1
मिनट और एक मिनट, यहाँ पे तो दो मिनट हो गया, यानी एक बटे दो मिनट हो गया। अब यहाँ पे टोटल धारिता दिया है 60, टोटल धारिता 60 है, तो यहाँ से हम कितना बार एक का जब भाग करेंगे तो कितना बार ले जाएंगे, 54 बार ले जाएंगे, यहाँ पर ले जाएंगे 54 बार, और नीचे भी 54 से गुणा कर देंगे, तो 54 से ऊपर गुणा करेंगे तो ऊपर में होगा 54 और नीचे में होगा 108 हो गया, यानी 54 बटे में 108 हो गया। हमें कितना भरना है, 60 लीटर भरना है, तो यहाँ पे 54 बटे में 108, 54 बटे में 108 लिखेंगे, और प्लस पहले कौन भरेगा, पहले ए भरेगा, तो यहाँ पे 54 लीटर भर चुका है, हमें कितना चाहिए 6 लीटर, तो 6 लीटर कौन भरेगा, ए भरेगा, हम इसको लिख लेंगे 6 बटे में कितना हो जाएगा, एक होगा, यानी 6 लीटर भरेगा एक मिनट में। अब ये जो नीचे वाला जो है इसी को हम जोड़ लेंगे, तो 108 और ये कितना हो गया, 109 हो गया, 109 हो गया, 109 मिनट, 109 मिनट हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, दो नल एक साथ किसी तालाब को 12 घंटे में, यदि अकेले पहला नल उसे 20 घंटे में भर सके तो अकेला दूसरा कितने घंटे में भरेगा। दो नल है, एक नल ए है और एक नल बी है, पहला भर रहा है 12 घंटे में और दूसरा 20 घंटे में। ठीक, अब दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, यह 20 है, कितना है 20 है, दोनों का एलसीएम लेंगे, 12 और 20 का एलसीएम तो कितना होगा, 60 हो जाएगा, यह टंकी की टोटल धारिता होगी। तो एक घंटे में भरेगा 5 लीटर और बी एक घंटे में भरेगा 3 लीटर। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में ये कहा है कि यदि अकेले पहला नल उसे 20 घंटे में भर सके तो अकेले दूसरा कितने घंटे में भरेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यह 5 लीटर है और यह 3 लीटर है, तो 5 में से हम 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 लीटर हो गया, 2 लीटर हो गया। अब यह पूरा टोटल धारिता कितना है, 60 लीटर है, 60 में हम 2 से भाग कर देंगे, 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 30 होगा, 30 होगा, कितना होगा, 30 होगा। क्वेश्चन में पूछा अकेला दूसरे कितने घंटे में भरेगा, तो ये कितने घंटे में भरेगा, तो ये 30 घंटे में भरेगा, 30 घंटा हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एक टंकी की पेदी में 2 छिद्र है, दोनों एक साथ खुले रहने पर टंकी को 6 घंटे में खाली कर देती है, यदि अकेले पहला छिद्र टंकी को 15 घंटे में खाली कर दे तो अकेले दूसरा कितने घंटे में खाली करेगा। मान लीजिए ए है और ये बी है, ये है ए इसके बाद बी, टंकी ए है इसके बाद ये बी है, ए क्या करता है कि 6 घंटे में खाली कर देता है और बी 15 घंटे में खाली कर देता है। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो 15 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 30 होगा। तो ए एक घंटे में कितना भरेगा, 5 लीटर भरेगा, और बी एक घंटे में 2 लीटर भरेगा, तो यहाँ पे हम 5 में से 2 को घटा देंगे तो कितना होगा, 3 हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3, पूरा धारिता कितना है, 30 लीटर है, तो हम पूरे धारिता में क्या करेंगे, 3 से भाग कर देंगे, तो 3 दहा में 30, यानी 10 हो गया, 10 हो गया, कितना हो गया, 10 हो गया। क्वेश्चन में ये पूछा है कि 15 घंटे में खाली करे तो अकेला दूसरे कितने घंटे में खाली करेगा, तो 10 घंटे में खाली करेगा, 10 घंटे में, यही 10 घंटा हमारा राइट आंसर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, 3 नल ए बी और सी एक टंकी को क्रमशः 12 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं, यदि नल ए पूरे समय खुला रहे तथा बी और सी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। यह टंकी है, मान लीजिए ए है बी है
और सी है। ए 12 घंटे में और बी 15 और सी 20 घंटे में क्या करते हैं, भरते हैं। अब तीनों का हम जो है एलसीएम निकालेंगे, तीनों का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। तो ये टोटल टंकी की धारिता निकली 60। अब ए 12 घंटे में 60 लीटर, तो एक घंटे में 5 लीटर भरेगा। बी एक घंटे में कितना भरेगा, 4 लीटर भरेगा। सी एक घंटे में 3 लीटर भरेगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे कहा है कि ए पूरे समय खुला रहे तथा बी और सी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाता है, ठीक है। यानी पहले जो है क्या करता है, ए जो है ए बी के साथ भरता है, फिर ए क्या करता है सी के साथ भी ये भरता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ए बी पहले ए बी भरेगा, ए बी तो यहाँ पे ए और बी कितना है, 5 और 4, दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 9 लीटर हो गया। तो ए बी का कितना हो गया, 9 लीटर हो गया। अब 9 लीटर कितना समय में, एक मिनट में 9 लीटर। फिर इसके बाद ए सी भरेगा, तो ए सी जब आएगा तो ए का कितना है, 5 है और सी का कितना है, 3 है। तो 5 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 8 हो गया। 5 और 3 8, 8/1। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 8 और 9 को जोड़ लेंगे, तो 9 और 8 कितना हो गया, 17 हो गया, और 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब हम 17 से 60 में भाग करेंगे, जब 17 से 60 में भाग करेंगे तो 17 51 तीन बार जाएगा, 3 से ऊपर गुणा कर देंगे, 3 से नीचे गुणा कर देंगे, तो 17 3 हो गया 51/6 हो गया। हमें टंकी भरना है 60 लीटर, जबकि यहाँ पे 51 लीटर हो चुका है, 51/6। अभी कितना भरना है, अभी हमको भरना है 51, अभी 9 लीटर भरना है। तो 9 लीटर कौन भरेगा, 9 लीटर कौन भरेगा, तो ए और बी दोनों मिलकर के भरेंगे, तो ए बी दोनों मिलकर कितना भरेंगे, 9 लीटर भर रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9 लीटर, तो 9/1 मिनट में। अब यहाँ पे नीचे वाला क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया, 6 और 1 7 7। यही 7 घंटे हमारा राइट आंसर होगा, आंसर कितना होगा, 7 घंटे होगा, 7 घंटा हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।